अच्छा जी ये आ गया है इसका सेकंड कैम्पस जो जो कि ऑलमोस्ट सिटी सेंटर के अंदर है ये है यूनिवर्सिटी का ये मेरे ख्याल से जमन है इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी ये लाइब्रेरी होगी और ये अगेन मेरे ख्याल से टीचिंग बिल्डिंग हो सकती है इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एम बी बी एस मेजर में तो ये हफ़े के अंदर मौजूद है हफ़े जो है वो कैपिटल है इस प्रोविंस का शंघाई के बिल्कुल पास है तो अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे तो आज की जो वीडियो बन रही है वो है जी अनहोई मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर इस यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी चेंजेस आई थी रिसेंटली ये यूनिवर्सिटी ए लिस्टिंग से बी लिस्टिंग पे भी गई तो ये भी वहाँ पे बड़े वाक्यात हुए हैं लेकिन आज हम इस यूनिवर्सिटी को रैंक करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी इस यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एम के अंदर वो है अट्ठाईस हज़ार इन द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से ये एक चीपेस्ट यूनिवर्सिटी में तो नहीं आएगी मैं चीपेस्ट यूनिवर्सिटी युन उन यूनिवर्सिटीज़ को बोलता हूँ जो कि पच्चीस हजार आरम्भी से नीचे होती हैं या एक्सट्रीम जो होती हैं वो बीस हज़ार आरम्भी से नीचे होती हैं बीस हज़ार आरम्भी के नीचे बड़ी ही कम यूनिवर्सिटी मिलती हैं आपको आजकल अगर मिलती भी है तो वो बड़े ही छोटे टाउन के अंदर कहीं जा मिलती हैं आपको आपको किसी बड़े सिटीज़ के अंदर नहीं मिलती अब जैसे कि जो अनहोई है ये एक प्रोविंस का नाम है और इसका जो कैपिटल है वो हैफ़े है तो हेफ़े के अंदर ये यूनिवर्सिटी मौजूद है मे बी मैं प्रोनाउंस प्रनाउंस तरीके से नहीं कर रहा हूँ को तो ये हफ़े के अंदर मौजूद है हफ़े जो है वो कैपिटल है इस प्रोविंस का शंघाई के बिल्कुल पास है तो ये जो पर्सनली जो सिटी हफे है, है ये मुझे ख़ुद भी बड़ा पसंद है क्योंकि ये एक ना सिलिकॉन टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली की जैसा जो है एक सिटी है तो वहाँ पे काफ़ी ज़रा टेक के रिलेटेड आईटी के रिलेटेड जो है वो जॉब्स बड़ी मिलती हैं लेकिन खैर आप तो एम बी में जा रहे हैं तो आपका ये ये इसमें कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगी लेकिन अगेन अगर आपने कुछ बायोटेक्नोलॉजी में जाना है या इस तरीके के कोई फील्ड को आगे प्रोसीू करना है तो ये एक बड़ा अच्छा सिटी हो सकता है वहाँ पे इसके अलावा ये सिटी जो है वहाँ पे अकामोडेशन भी अफोर्डेबल है अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहना अगर आपने बाहर अपार्टमेंट लेना है क्योंकि मैंने इस तरह के बड़े जो है स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि तीन चार स्टूडेंट्स मिल के अपना ख़ुद एक अपार्टमेंट रख लेते हैं बाहर और वहीं पर अपनी कुकिंग वगैरह और जो है वो ईज़िली मेटेन करते हैं क्योंकि डोर में कभी कभार आपको कोकिंग अलो नहीं होती आप अपने कमरे के अंदर कुकिंग नहीं कर सकती आपको इतना एक लोकल शेयर किचन में जाना पड़ता है तो वहाँ पर कभी कबार जो है इतना ईजी नहीं होता वहाँ कुकिंग करना क्योंकि एक ही ब्रिज होती है अपने अपना सामान भी रखना होता है और फिर जो है ना दूसरों को भी टाइम देना होता है कुकिंग का तो इसलिए जो है ना थोड़ा, थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फील होता है स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स करते ये हैं कि डोम की फीस देने के बजाय वो चार पांच मिलते हैं और जाके जो जो है ना कोई अपार्टमेंट ले लेते ले हैं तीन चार कमरों का और उसके अंदर जो है अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं कुकिंग खुद करते हैं हर चीज़ मेंटेन करते हैं वहाँ पे तो इस सिटी के अंदर जो है वो अकोमोडेशन भी काफ़ी चीपर है एज़ कम्पेयर टू एनी बदल जो बिगर सिटीज़ हैं बीजिंग हो गया शंघाई हो गया इवन के चंगदू के मुकाबले भी तो ये एक अच्छा सिटी है मैं यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर है उसको मैं दूँगा फोर स्टार्स क्योंकि अफोर्डेबल है लेकिन इतनी अफोर्डेबल नहीं जितनी एक बीस हज़ार वाली यूनिवर्सिटी हो सकती है तो इसका जो सिटी है उसको मैं दूंगा फोर पॉइंट्स क्योंकि फोर पॉइंट्स मैं इसलिए दे रहा हूँ मैं एक फेयर जो है वो देना जजमेंट देना चाह रहा हूँ सबको क्योंकि छंदू एक फाइव फाइव स्टार सिटी है जो एक टॉप नॉ सिटी आता है और खफे छंग के मुकाबले में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए मैं खफ़े को जो है वो चार स्टार दे रहा हूँ ताकि जो है एक फ़ेयर रेटिंग मिल सके हर सिटीज़ को इसके बाद बात आती है इस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड डेकग्नेशन की ये यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकगनाइजड है पीएमडीसी से रेकनाइजड है डब्ल्यूएचओ से रेकनाइजड है अपने पाकिस्तान में आकर देने हैं बांग्लादेश में जाकर अपना एग्ज़ाम देना है पी एफ देना है यू एस देना है आप उन सब के लिए एलिजिबल हैं आप जाके अपना एग्ज़ाम वगैरह वहाँ पे पास कर सकते हैं इसके अलावा जो है इस यूनिवर्सिटी का मैं देता हूँ आपको विर्चुल टूर जिसके अंदर मैं आप बताऊँगा इस यूनिवर्सिटी का कैंपस किस तरीके का लगता है यहाँ के यहाँ के डोमेटोरीज यहाँ का जो लाइब्रेरीज़ है जो कैंपस मैप है मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर दिखाऊँगा तो आपको मिलता हूँ वहीं पर असलकम मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तो ये है जी अनहोई मेडिकल का कैंपस वर्चुअल टूर इसके मेरे ख्याल से तीन कम्पस हैं जिनमें से दो आपको मैं दिखाऊंगा तीसरा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है मे बी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के अंदर वो कंप्लीट होगा एक कम्पस ये वाला है अगर आपने यहाँ पे लोगों को देख लिया होगा कि ये है यूनिवर्सिटी का मेन गेट फ्रंट गेट अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये साइकिल ये आपको जाके चाइना में बहुत मिलने वाली हैं अगर तो आपका सिटी फ्लैट है हिली नहीं है माउंटेनिस नहीं है तो यहाँ पर वो साइकिल जो होती हैं ना ये लाजम यूनिवर्सिटी के आसपास पड़ी होती हैं जो कि आप अपने अली पे या वी चैट से लॉग इन करके दो तीन आरम भी दे के जो ना आप जा सकते हैं डिपेंड करता है आप कितने देख चलाते हैं वहाँ पर तो जी ये है यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस ठीक है इसका जो मेन गेट है वो ये है इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो है मजीद थोड़ा दिखाता हूँ सेकंड कैंपस और इस फर्स्ट कैंपस को मैं थोड़ा सा डिटेल से दिखाता हूँ ऊपर जाके ये आ गया कैंपस थोड़ा सा एडल व्यू है थोड़ा सा ज़्यादा एडियल व्यू है अगर आप गौर करें तो ये हमारा गेट था पहले और ये जो फ्रंट है उसका ये उनकी जो मेन टीचिंग बिल्डिंग है ये है हमारा जी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर प्ले ग्राउंड जो जहाँ पे आप फुटबॉल खेल सकते हैं क्रिकेट खेल सकते हैं डिपेंड करता है आपका जो भी मर्जी है यहाँ पे इसके साथ कुछ अफिलिएटेड हॉस्पिटल्स होते हैं कुछ टीचिंग uh, बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं आई थिंक यहाँ पे भी host, ये मेरे किस्टल से टीचिंग हॉस्टल्स हैं यहाँ पे टीचिंग के जो टीचर्स के होते हैं हॉस्टल्स तो ये है जी इस यूनिवर्सिटी का मेन टूर यहाँ पे खाने वाने की चीज़ें होंगी कैफेटेरिया यहाँ पे होंगे ठीक है ये कैंपस नॉट बैड एक और कम्पस जो है वो थोड़ा मेन सिटी सेंटर के अंदर है मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका मैं थोड़ा सा आपको सराउंडिंग दिखा दूँ ताकि आप वो भी देख लें ये भी ऑलमोस्ट सिटी सेंटर के अंदर ही है मैं बोलूँगा देखें ये प्रीमच सी का जो है वो एरिया लग रहा है सी बी डी जो है विचाना का डाउन कह लें मॉडर्न डाउन कह लें वो होता है इसके साथ ही रेलवे स्टेशन में मेरे ख्याल से जा रहा है साथ आपके आपके बैक साइड पर अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग भी काफ़ी मिल जाएंगी मतलब कि आपको अगर आपने बाहर रहना है यूनिवर्सिटी के तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई जो है ना वो मिल जाएगा वहाँ पर अपार्टमेंट सस्ते में ही यूनिवर्सिटी के आसपास ही आपको मैं दिखाता हूँ डिफरेंट कैम्पस आप अच्छा जी ये आ गया है इसका सेकेंड कैम्पस जो जो कि ऑलमोस्ट सिटी सेंटर के अंदर है आ, इसको देखें आप ये इसका मेन गेट है ये यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है यहाँ पे ये सामने लाइब्रेरी है यहाँ पे छोटा सा मैंने बनाया हुआ है गार्डन करके या बोल लें <laughs> गार्डन बोल लें आप उसके अलावा यहाँ पे है टेनिस कोर्ट और यहाँ पे है जीन का प्ले ग्राउंड आपको मैं थोड़ा सा इसको आगे दिखाता हूँ जाके थोड़ा सा बेसिक जो है ना एक आपको कुछ चीज़ मैं दिखा दूँ कि ये यूनिवर्सिटी का जो है ना ये मुझे इसका अफिलिएट हॉस्पिटल लग रहा है मैं आपको एक और मजीद हॉस्पिटल दिखाऊँगा यूनिवर्सिटी का जो कि बका सर यूनिवर्सिटी के लिए ही बना हुआ है इसके बिल्कुल सामने और बिल्कुल साथ ही जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नहोई की चाइनीज़ मेडिसिन वाली जो यूनिवर्सिटी वो भी सी बिल्कुल सामने है लेकिन ये सिर्फ मेडिकल की यूनिवर्सिटी है यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाते हैं ये ये वाला कंपस थोड़ा सा छोटा है इसकी वजह ये है कि आप गौर करें तो बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है और ज़ाहिर सी बात है जब जब एक यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर के बिल्कुल अंदर होती है तो वहाँ पे जो रकबा है वहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको मैं दिखाता हूँ अब थोड़ा सा पास जाके इसको जी ये आ गया थोड़ा सा डिफरेंट वेदर के साथ थोड़ा सा क्लोज क्लोज अप कह लें आप ये था हमारा पहले गेट जो आपको मैंने दिखाया हम यहाँ पर थे पहले यहाँ से हम देख रहे थे हर चीज़ तो ये जो ये जो आपको नजर आ रही है ये मार्केट है काफ़ी एरिया है छोटी मोटी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आप जाकर अपनी खुेती पार्टस वगैरह ले सकते हैं अपना कटिंग वगैरह होगी हेयर कटिंग होगी छोटे मोटे जितने भी छोटी चीज़ें होती हैं ना आप यूनिवर्सिटी में जो आपने रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं अगर आपकी बाइक है कोई टायर कोई वहाँ पर बाइक ठीक करने वाला बंदा हो सकता है हज़ार चीज़ें निकल आती हैं यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट कोर्ट्स हैं ये उनका मेन स्टेडियम है यूनिवर्सिटी का ये मेरे ख्याल से जम्यूजियम है इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी ये लाइब्रेरी होगी और ये अगेन मेरे ख्याल से टीचिंग बिल्डिंग हो सकती है यहाँ पर कोई डिफरेंट चीज़ भी हो सकती है मेरे ख्याल से ये टेनिस कोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने बाकी ये मैंने आपको दिखाना था कैंपस इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस यूनिवर्सिटी का जो है अफिलिएटेड हॉस्पिटल अच्छा जी ये आ गया वन ऑफ द एफिलिएटेड हॉस्पिटल जो है यूनिवर्सिटी के साथ अनहोई मेडिकल यूनिवर्सिटी का फू यंग फू यंग हॉस्पिटल ऑफ अनहोई मेडिकल यूनिवर्सिटी तो जिन्होंने इंटर्नशिप करनी होगी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे आएँ या किसी डिफरेंट जो हॉस्टल है उसे चूज़ करें है लेकिन ये ऑलमोस्ट सबर्ब के ऊपर है आप देखें गौर करें तो आस पास आपको कुछ नहीं मिल रहा स्टिल कंस्ट्रक्शन चल रही है तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं कभी कभार बड़े दूर दराज में मिलते हैं आपको लेकिन है आपने तो इंटर्नशिप करनी है आपका काम हॉस्टल के अंदर है बाहर थोड़ा है, तो ये था यूनिवर्सिटी का हॉस्टल भी इसके अलावा मैं देखता हूँ को तो आपको कोई मज़ीद चीज़ इसके यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकूँ कोई मजीद आपको वर्चुअल टूर दे सकूँ इस चीज़ का तो मैं देखता हूँ इसके अलावा मैंने सोचा कि चलें आपको जो है हफ्ते दिखा देते हैं कि हफ्ते का जो डाउन टाउन है जो सिटी सेंटर है जिस सिटी में आप जा रहे हैं जिस सिटी के अंदर ये यूनिवर्सिटी है वो किस तरीके का दिखता है तो ये इसका प्रटी मच न्यू डाउन टाउन में बोलूंगा वो है Uh, क्योंकि चाइना में कभी कभार दो तो डाउन निकल आते हैं एक जो पुराना बनाया होता है एक जो नया बनाते हैं ये दोबारा जो है ना मॉडर्नाइज करके तो ये यहाँ पर जो है इसका कोई शॉपिंग मॉल है यहाँ पर मॉडर्न कोई शॉपिंग मॉल है यहाँ ये भी आई पीटी मच के ये भी एक शॉपिंग मॉल होगा साथ में कोई ऑपरा वगैरह हो सकता है यहाँ पर इसके अलावा जस्ट एक 360 व्यू ले लें ले ले इसका यूनिवर्स इसका जो डाउनटाउन है तो प्रीटी मच यही जो है ना इसका होगा टूअर तो मैं कोशिश ये करता हूँ इसका जो वर्चुअल टूर है इसको देने का मेन मकसद ये है मेरा कि आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले उस सिटी में जाने से पहले थोड़ा बहुत उस सिटी से उस यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग से अवेयर हो जाएं कम्पस से अवेयर हो जाएं कम्पस मैप से अवेयर हो जाएं कि क्या सिस्टम है क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों का लेकिन मुझे ये चीज़ें बड़ी ही पसंद है किसी जगह जाने से पहले मैं एडिल व्यू जो हासिल के होते हैं मुझे ये बड़े ही पसंद हैं आपको कितना बर्ड आई व्यू मिल जाता है आपकी सराउंडिंग का मिल जाता है वो सिटी के बारे में आप जज कर सकते हैं कि यार ये कितने पानी में है यूनिवर्सिटी कितने पानी में है तो मेरा तो मुझे तो ये चीज़ें करनी बहुत पसंद है तो ये था जी इस यूनिवर्सिटी का वर्चुअल टूर मैंने जो वीडियो आपको इसका जो पहला पार्ट था उसमें मैंने ये बताया कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग किस तरीके की है आई होप कि आपको ये यूनिवर्सिटी या आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी अगर आप ने कोई भी यूनिवर्सिटी का अबिटल टूर कराना कर है या कोई भी यूनिवर्सिटी का के बारे में रैंकिंग देनी है या करवानी है मुझसे आप प्लीज़ प्लीज़ रिकमेंड करें मुझे कमेंट्स के अंदर जाके मैं उसको लाजम वीडियो बनाऊंगा जब मैं फ्यूचर में जाऊँगा तो मैं इनशाला जाकर इन चीज़ों का हु बकायदा फिज़िकल होद टूर करवाऊँगा जाके इसके अलावा फिर आपने इन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवाना है आप मेरी हेल्प ले सकते हैं मुझे आलमोट इन सब चीज़ों का पता है मैं आपकी कोई ना कोई हेल्प लाजम कर सकूँगा अपना ख्याल रखें तब तक के लिए आपको मैंने अगली वीडियो के अंदर अल्लाफ़